नमस्कार बिहारी शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में एक बार फिर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में आज विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कई अधिकारियों के साथ बैठक की है। और आपको बता दें कि जब पिछली बार विधानसभा का सत्र चला था उसमें एक तस्वीरें सामने आई थी, एक घटना सामने आई थी जो काफ़ी चौंकाने वाली थी। इससे पहले ऐसा विधानसभा में हुआ नहीं था। वह मामला कुछ ये था कि विधानसभा में विधायकों को, जी हाँ, विपक्ष के विधायकों को लात जूतों से पीटा गया था, जिसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। ऐसे में विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। 23 मार्च 2021 को राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन के दौरान एक खास विधेयक को लेकर के जिस तरह से विरोध प्रकट किया गया और अमर्यादित आचरण किया गया, विधानसभा के आसन को बाधित किया गया, विधानसभा के कक्ष को बंद किया गया, संसदीय प्रणाली में इस तरह का डेडलॉक वांछनीय नहीं होता है। सदन के अंदर अव्यवस्था फैली। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ मार्शल की संख्या बहुत कम है। सदन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए जिला बल से अतिरिक्त पुलिस बल मार्शल के रूप में सहयोग करने के लिए हमेशा बुलाया जाता है और सदन में मार्शल के रूप में एक्शन के लिए जरूरत पड़ने पर अनुमति दी जाती है। विधायक को बेल से लाकर सम्मानपूर्वक ले जाना, जो सदस्य सदन में आसन पर बैठे हैं उन्हें नहीं टच करना, छूना, हमने निर्देशित किया था कि आसन को और खाली कराना, बेल को खाली कराना, ताकि सदन सुव्यवस्थित चल सके। लेकिन चैम्बर हमारा बंद किया हुआ था, विजुअल चल नहीं रहा था। बाद में हमने सीसीटीवी कैमरे के अंदर और जो कुछ विजुअल प्रेस मीडिया के माध्यम से बाहर की घटनाओं का चला, जिसमें हमने कुछ अप्रिय दृश्य देखने को मिला। कक्ष के बाहर से एक व्यक्ति के द्वारा एक माननीय सदस्य को मारते हुए दिखाया गया। पोर्टिको के बाहर, व्हाइट लाइन के बाहर एक माननीय सदस्य को पुलिसकर्मी के द्वारा माननीय सदस्य को पैर से मारते हुए दिखाया गया। यह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। तो सुना आपने किस तरीके से विजय सिन्हा ने बताया कि पिछली बार जो भी हुआ था, अप्रिय घटना थी, उस पर विजय सिन्हा अब कार्रवाई करेंगे। दो लोगों का नाम उन्होंने जिक्र किया है, उन दो लोगों पर जो है अब कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो बराबर इंसाफ की मांग कर रहा था वो इंसाफ अब होता दिख रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा के सत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल बिहार इन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।